स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले cos x into cos 2x into cos 3x है, तो पता है सर इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं यहाँ पे। तो सर हम लोग करते क्या है ना, y लेने के बाद ये नंबर वन क्वेश्चन है सर, टेकिंग log बोथ साइड, क्योंकि आपको पता था कि सर कि जब log लेते हैं हम लोग, log का जब हम लोग काम करेंगे तो मैं फिर बताता हूँ मल्टीपल में क्या होता है, पहले जान ही लो। log जब मल्टीपल के साथ लगता है तो log x प्लस क्या log y इनटू को कन्वर्ट कर देता है किसमें, प्लस में। तो यहाँ पे जब आप log लगाओगे तो ये हो गया log y, लाइन बाय लाइन देखो log, ये मेरा क्या है cos x इनटू क्या cos 2x इनटू क्या है cos 3x, ये हो गया आपका log y। जब log लगेगा मल्टीपल के साथ तो क्या कर देता है प्लस, तो देखो ना कितना इजी, log क्या हो गया cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। log जब लगेगा, जब दो लोग के साथ था तो log के साथ log x प्लस क्या log y, जब यहां पे तीन लोग हैं तो सबके साथ आप log लगा दोगे मेरा बच्चा। अब यहां पे हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड, ये सब लिखना जरूरी है बच्चा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो जब डिफरेंशिएट दोगे log y का तो 1 by y dy by क्या dx log cos x, तो सर ये आप लोगों को तो पता चल गया d by dx, log x का डिफरेंशिएट होता 1 by x, log x का डिफरेंशिएट क्या होता 1 by x, तो log cos x का डिफरेंशिएट क्या होगा 1 by cos x, यहां से चैन रूल है लेकिन मैं डायरेक्ट दे रहा हूं, तो चलो मैं बना के दिखा देता हूं d by d, ये आपका क्या हो गया log cos x, आपको पहले से पता है कि जिसका एंगल एक्स्ट्रा होता है वो चैन रूल से बनता है, तो चैन एंगल कौन एक्स्ट्रा है cos x, ऊपर गया cos x y क्या है dx। तो सर अब इसकी बारी d by d, यहां पे क्या हो जा रहा है log cos 2x by क्या है cos 2x into cos 2x by क्या है dx प्लस का साइन। अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग d by d log यहां पे क्या cos 3x, नीचे आओगे तो cos क्या है 3x d cos 3x by क्या dx, ठीक है सर बहुत इजी। अब यहां पे दिख रहा है 1 by y dy by क्या dx log cos x, तो जिसको नीचे लिखते हैं उसको डिफरेंशिएट तो नहीं करते हैं सर, तो cos को नहीं करेंगे तो log को, तो 1 by जो एंगल है जिसका था cos x, और cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है minus sin x, cos x का डिफरेंशिएट minus sin x, प्लस का साइन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 by cos 2x, और cos 2x का डिफरेंशिएट करेंगे देखो ना यहां पे और क्या हो रहा था, यहां पे और एंगल बढ़ रहा था सर, इसको आप लोग डायरेक्ट दे सकते हो ये एंगल एक्स्ट्रा था, और एक लाइन चलो ना नीचे क्या आ गया 2x, तो d 2x by क्या है dx। अब आ जाओ d by d, चैन रूल याद है ना cos 3x, तो नीचे cos 3x d cos 3x, नीचे 3x फिर ऊपर 3x by क्या है dx, ठीक है सर। अब चलो log का 1 by cos 2x आ गया, cos का क्या मिलेगा minus sin 2x, और 2x का क्या मिला 2, ठीक है सर, प्लस का साइन 1 by, ये तुम्हारा 1 by cos क्या है 3x, cos का minus sin 3x into क्या है 3। अब क्या करेंगे 1 by y dy by क्या है dx, sin by cos x क्या होता है tan x, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, तो माइनस क्या आ गया ये tan x, माइनस प्लस माइनस माइनस, और आप देखो ना 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा sin 2x by cos 2x, ये क्या होगा tan 2x, प्लस माइनस क्या होगा माइनस 3 sin 3x by cos 3x tan 3x, ठीक है बच्चा। अब dy by dx लाना है, dy by dx यहां पे y चला गया, y डिवाइड में इधर जाकर मल्टीपल में हो गया, हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं सर, तो tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, अब माइनस यहां पे आ गए y, तो y की जगह क्या दिया हुआ जो क्वेश्चन है ना उसी को लिखेंगे बच्चा, तो y की जगह क्या आ रहा है यहां पे बोलो cos x into cos 2x into cos 3x, और ये आपका साथ में चला गया tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan
3x दिस क्या सर? क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। ये 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि सर जब लॉग जब यूज करते हैं तो एक फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कुछ ऐसा कि मान लो मैंने ले लिया एक्स वाई और यहाँ ले लिया यू वी डब्ल्यू है ना y। जब आप लॉग लगाते हो तो लॉग एक्स वाई बाई यू वी डब्ल्यू का पावर हाफ। अब ये लॉग लगता है तो पावर को कहाँ बुला लेता है? सामने हाफ लॉग या आपका एक्स वाई यू वी डब्ल्यू। तो लॉग ये हाफ पहले बाहर, जब बाई में रहेगा लॉग तो लॉग बाई को क्या कर देता है? माइनस। तो आप क्या कर दोगे? लॉग माइनस करेगा तो ये तुम्हारा एक्स वाई माइनस लॉग यू वी डब्ल्यू, ठीक है सर। अब ये पता है कि इनटू में क्या होता है? प्लस। लॉग एक्स प्लस क्या? लॉग वाई। और इनटू में तो प्लस ही होगा, लॉग क्या होगा तुम्हारा सर? यू है ना, प्लस लॉग वी प्लस लॉग डब्ल्यू, फिर माइनस कर लेंगे। तो यही प्रोसेस यहां पे आ रहा है सर। ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है सर। आपको दिख रहा है एक तो नॉर्मल चैनल से बना ही सकते हो, लेकिन अगर इसको लॉग अप्लाई करके बनाना हो तो कैसे बनाएंगे हम लोग वो देखो। सबसे पहले आपको तो पता चला गया होगा कि सर ये हमको लाइन लिखना जरूरी है। टेकिंग क्या सर? लॉग बोथ साइड, यस सर। अब लॉग लगा रहे हो तो लॉग वाई यहां पे क्या लिख रहे हो? लॉग, चलो ना पूरा लाइन का लाइन आपको बना के दिखाऊं। एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू बाय एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। वो फॉर्मेट समझ में आ रहा है सर कि जब लॉग लगाते हैं सर तो रूट का पावर पावर को कहां बुला देगा? सामने। तो चलो मैं एक स्टेप और में बढ़ा दूं। लॉग वाई लॉग ये आपका रूट के बदले एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव का पावर क्या है? हाफ, ठीक है। अब क्या कर रहा है लॉग? पावर को कहां बुला देगा? सामने। तो ये देखो ना, लॉग वाई हाफ सामने, ये आपका लॉग, ठीक है सर। ये अब सामने आ गया तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू यहां पे दिख रहा है आपको एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ रहा है सर लॉग बाई में रहेगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो पहले कुछ चेक कर लेते हैं सर। लॉग वाई हाफ लॉग, अब ये हम लोग क्या कर लेते हैं सर? माइनस एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, ठीक है सर। ये पहले माइनस में हो गया फॉर्मूला, ये लॉग का पहले अप्लाई कर लिए। अब मल्टीपल में रहेगा तो क्या कर देगा? प्लस कर देगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि लॉग मल्टीपल में रहेगा तो उसको क्या कर देगा? प्लस। तो देखो ना, लॉग वाई ये हाफ, ये क्या हो गया? लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू माइनस, जब भी माइनस है तो ब्रैकेट में लेके काम करो, मल्टीपल है। चलो बोलो, लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस लॉग एक्स माइनस फोर प्लस लॉग एक्स माइनस फाइव, ठीक है सर। थोड़ा सा इंक भर दिया जाए, यहाँ तक पहुँचने के बाद थोड़ी सी फीकी चल रही है, लेकिन क्या करोगे, इंक तो डालना ही पड़ेगा मेरे बच्चे को। ये देखो जा रहा है इंक, थोड़ा इसको भी खिलाना पड़ेगा, नहीं खिलाओगे तो कैसे चलेगा ये पेन? जा रहा है, ठीक है ना, हो गया। अब देखो करना क्या है। अब आते हैं हम लोग कि सर ये देखो लॉग वाई हाफ। अब ये ब्रैकेट एक बार ओपन कर लेते हैं सर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये लॉग एक्स माइनस वन लॉग एक्स माइनस टू माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस लॉग एक्स माइनस फोर माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव, ठीक है सर। अब सब कुछ पावर तो खत्म हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में। इंप्लीसिट तो पढ़ेंगे आप लोग। तो चलो ना, लॉग वाई का बोलो वन बाई वाई डी वाई बाई क्या डी एक्स हाफ। अब तो थोड़ा डायरेक्ट करना होगा सर, आप लोगों को डायरेक्ट क्या करना होगा कि एंगल जो एक्स्ट्रा है नीचे नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर। तो जब लॉग को डिफ्रेंशिएट देंगे तो लॉग का हो जाएगा वन बाई क्या एक्स माइनस वन, और एक्स माइनस वन का क्या होगा? वन, वन का तो जीरो एक्स का ही। उसी तरह इसको करेंगे तो वन बाई क्या एक्स माइनस टू ये वन
माइनस यहां बोलो क्या होगा, वन बाई एक्स माइनस थ्री एक्स कॉमन, वन बाई एक्स माइनस फोर एक्स कॉमन, माइनस यहां बोलो क्या होगा, वन बाई एक्स माइनस फाइव इंटू क्या है वन। यहां तक समझ में आ गई? तो सर ऊपर का अगर मैं हटा दू ये, ठीक है आप लोग देख के लिख लोगे, वन बाई वाई, अब ये तुम्हारा डी वाई बाई क्या है डीएक्स, ये वाई उधर जाएगा यहां पे आ गए, अब ये वाई उतर गया तो पहले से आपके पास वन बाई टू था, ठीक है सर, अब इसको मिला दो, वन बाई एक्स माइनस वन प्लस वन बाई एक्स माइनस टू, फिर आपका क्या हो जा रहा है यहां पर प्लस माइनस 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 वन बाई एक्स माइनस थ्री माइनस वन बाई एक्स माइनस फोर माइनस वन बाई एक्स माइनस फाइव। अब वाई है तो वाई की जगह आप यहां पर सामने पहले हाफ लिख दो, वाई की जगह जो क्वेश्चन था वही हम लोग लिखेंगे, वाई की जगह क्वेश्चन क्या था अंडर रूट, ये आपका था क्या एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, और ये आपका जस्ट का जस्ट वन बाई एक्स माइनस वन वन बाई एक्स माइनस टू माइनस का साइन वन बाई एक्स माइनस थ्री वन बाई एक्स माइनस फोर और ये आपका माइनस वन बाई एक्स माइनस फाइव। दिस कैन आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप लोगों को देखना क्या है ना कि लॉग जब भी किसी का पावर आई एट में रहे, है ना, जब भी किसी का पावर आई एट में रहे तो हम क्या लिख के बनाते हैं लॉग। तो यहां पे दिख रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक है तो हम लोग लॉग लेके बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चा लॉग वाई, और ये आपका लॉग लॉग एक्स का पावर क्या है कॉस एक्स, ये क्या हो गया आपका लॉग वाई, पावर को सामने बुला देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स, दिख रहा है। अब पावर तो है नहीं तो डिफ्रेंशिएट क्या कर लोगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में देंगे तो लॉग वाई का क्या होगा वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये यू इंटू भी, तो यू इंटू भी पढ़े हो ना, तो यू इंटू भी आपको पता है यू इंटू यू बाहर भी का डिफ्रेंसिएशन प्लस भी बाहर यू का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है ना बच्चों। तो सर बाहर कौन हो जाएगा cos x और डिफ्रेंसिएट log इंटू log x, ये चैन एंगल एक्स्ट्रा है तो नीचे log x ऊपर log x by dx प्लस भी बाहर, तो कौन log इंटू log x बाहर और आपका डिफ्रेंसिएट क्या हो जाएगा cos x, दिख रहा ना, दिख रहा ना बच्चों। अब 1 by y dy by क्या dx, ये देखो cos x जस्ट का log का तो ये 1 by क्या हो जाएगा बच्चा log x और log x का 1 by x, ये यहां पे log into log x और cos x का minus sin x, सही जा रहा है हम लोग। अब क्या करेंगे अब हम लोग मिला के लिखेंगे dy by dx, y उधर चला गया into ऊपर में cos x by क्या log x प्लस माइनस माइनस, इसको पहले लिख दो sin x log into क्या log x, आपको दिख रहा भाई, तो y का जगह जो क्वेश्चन है वही लिखोगे, y की जगह क्या आपका log x का पावर क्या होगा cos x, ये आपका cos x by क्या log x sin x into log x, this can answer, ठीक है ना, नोट कर लो उसको।